ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधे सुलेटर्स लाइफ विद इन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 18 अप्रैल के ईश्वरीय वरदान की, जहां परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सारी वरीज या कहें सारी चिंताएं तकलीफें परमात्मा पर छोड़ दें। लेकिन छोड़े कैसे हैं? जब तक हमें पता ना हो कि किस तरीके से ये दुनिया चलती है, क्या लॉज हैं, क्या सिद्धांत हैं, किस तरीके से हम सही तरीके से कर्म करें ताकि जो सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आई है, उसको हम सॉल्व कर लें। जब तक ये ज्ञान ना हो तो हम कैसे परमात्मा पे छोड़ दें? तब तक अपनी ही बुद्धि चलती है और हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिसको हम कहते हैं देह अभिमान, देह अहंकार, या कहें माय वे द हाईवे। तो देखें, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आज के शीर्षक में वरदान के परमात्मा चाहते हैं, कहते हैं सब फिक्राते बाप को देखकर, बाप मतलब परमपिता को देखकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भवा। बेफिक्र स्थिति, अगर कोई एग्जाम पेपर का पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए वो बेफिक्र स्थिति हो जाती है। इसी तरीके से सारी दुनिया के क्वेश्चन आंसर्स, सारी सिचुएशन के क्वेश्चन आंसर्स, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये फैमिली में ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारे आंसर्स अगर आपको पता चल जाए, मतलब सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर्स आपको पहले पता चल जाए, तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। परमात्मा यही तो चाहते हैं कि सारा ज्ञान आपको मिल जाए, सारी बुद्धि जो परमात्मा की है वो आपको ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना, ये तो हम परमात्मा को या भगवान को हम भगवान कहें और परम पिता कहें, दोनों में बहुत फर्क है। एक है भगवान कहना, एक है पिता कहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान कहने से हम दुआ मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, पिता कहने से हम हक जमा सकते हैं कि आपका सारा ज्ञान, अपनी दुनिया कैसे रची है, ये नाटक कैसे रचा है, ये ज्ञान मुझे मिलना ही चाहिए। तो आप किस कैटेगरी में, आप सोचिए और किस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं ताकि आप बेफिक्र बन जाएं। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं, परमात्मा के प्यारे, वे सदा दिल तख्त पर रहते हैं। बचपन में आप अपने माता पिता के गोद में बैठा करते थे, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपनी गोद में बैठाते हैं। वो सेफेस्ट प्लेस है ना, जहाँ पर कोई बच्चे को कभी कोई फिक्र ना रहे कि हाँ मैं अपने माता पिता की गोद में बैठा हूँ, अब मुझे कोई छू नहीं सकता, अब मैं सेफ हूँ। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उनकी बातें, उनकी ज्ञान की बातों को फॉलो करें ताकि हम परमात्मा की गोद में नहीं सिर्फ, हम परमात्मा के दिल तक चढ़ पाएं। और जो परमात्मा के दिल में चढ़ेगा वो कितना सेफ होगा, आप खुद ही सोचो जरा, कितना सेफ फील करेगा। कोई चिंता होगी, दुनिया में कुछ भी हो जाए, इधर की उधर दुनिया चला जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो सारे राज पता होंगे, इसलिए वो नाराज नहीं होंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। ऐसे बच्चे कभी अलग नहीं हो पाएंगे परमात्मा के दिल से। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर, फकुर मतलब कि बिल्कुल बोल्डनेस से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। किसके प्यारे? परमात्मा के प्यारे बन गए। इंसान आज इंसान का प्यारे बनने की पूरी कोशिश करता है, प्लीज करता है, दुनिया में कहते ना एक वर्ड कहते हैं बटरिंग करता है, चापलूसी करता है कि मैं इनकी नज़र में आ जाऊँ। कोई बहुत फेमस इंसान होगा तो उसके पीछे 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 घूमते हैं कि मेरे उनकी नज़र, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। परी परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, इतनी आपके अंदर क्वालिटी हो। ये चीज़ हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं ऐसा बन जाऊँ। तो वो ज्ञान हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं। इसी फकोर में रहने के कारण सब फिक्रातें, सब फिक्रातों से फारिग हो। किस फकर में? कि परमात्मा के हम दिल पर चढ़ गए और उनके बन गए,
ये जब हमारे अंदर आ जाए फकुर, उस दिन आप समझ लेना आपकी सारी फिकराते खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके मन की सोच, बोल और कर्म ही बदल जाएंगे, तो कोई फिक्र नहीं रहेगी आपको। ये प्रभु कहते हैं, आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है। उदास मतलब उसका दास, ऊ का दास, किसी ने कुछ कह दिया उदास, ऊ की वजह से मैं दास बन गया, उसका दास बन गया। वो अगर आपको मीठी बातें बोले तो आप उसके दास नहीं बनेंगे, वो आपको कड़वी बातें बोले तो आप दास बन जाएंगे, उसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाएगा, तो आप उस उदास बन गए। किसी के दास बन जाना ही उदास बन जाना होता है। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। मेरा मन, मन भी मेरा नहीं परमात्मा को दे दिया, मेरी बुद्धि भी परमात्मा को दे दी, वो चलाएं, वो जो कहें उस अनुसार चलाऊं, सोच वो जो कहें उस अनुसार सोचूं, घर बार धन संपत्ति उनके अनुसार यूज करूं, तब जा करके दिल ताकतवर बैठ पाएंगे। और अगर मेरा 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 समझ लिया तो टेंशन, स्ट्रेस, मूड ऑफ, मन नहीं लगता जैसी बातें निकलेंगी। आज के ये श्री वरदान और गहराई से समझ लिया आप, साधन का कोर्स जरूर करिए। ओम शांति।